In this session, we are going to discuss the topic of revolution. That what is the definition, what's the concept, what are the main reasons. So it will be quite informative and interesting topic for the students of political sociology. A revolution is a fundamental and relatively sudden change. Okay. Okay. लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज का एक प्रोसेस जो है वो आता रहे और फिर उसके साथ एडजस्टमेंट होती रहती हैं क्योंकि चेंज जो है किसी भी ह्यूमन सोसाइटी का एक परमानेंट और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है क्योंकि जैसे ह्यूमन बिहेवियर है ह्यूमन बींग्स हैं वो कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है जामद नहीं है इसलिए दे ऑल नीड चेंज लेकिन जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रेवोल्यूशन सो रेवोल्यूशन इज़ अ अडन चेंज वो प्लानिंग के साथ रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं होती आहिस्ता आहिस् एक प्रोसीजर या प्रोसेस नहीं है बल्कि रेवोल्यूशन का मतलब ही ये है, है कि ड्यू टू सम रीजंस देयर कैन बी अ अडन चेंज सो इन पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अकर्स व्हेन द पापुलेशन रिवॉल्व अगेंस्ट द गमेंट अब रेवोल्यूशन की जो एक कॉमन कॉज है जो हर जगह पर हमें नज़र आती है दैट इज़ द अनसेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल विद देयर गवर्नमेंट यानी अगर लोग अपनी हुकूमत से मतम ना हुकूमत के साथ हुकूमती कर्दगी से मुतमिन ना हो तो वो अचानक उठ खड़े होते हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ और फिर ये मुखालफत इतनी बढ़ जाती है कि वो बाकायदा तौर पर रिवॉल्ट या बगावत की शक्ल में नजर आती है सो टिपिकली ड्यू टू परसिवड अपोजिशन दैट ऑपोजिशन कैन भी पोलिटिकल सोशल एंड इकनॉमिक और पोलिटिकल इनकम्पिटेंस समयर परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्सट ऑफ पोलिटिकल इशूज इन कॉन्टेक्सट ऑफ सोशल इशूज़ एंड समाइम्स इन कॉन्टेक्सट ऑफ देयर इकनॉमिक परफॉर्मेंस that shows the incompetence of the government so people those were not satisfied with the performance of the government they try to convince the government that there must be a change within the system so broadly revolutions denote fundamental objective and subjective changes institutionally and culturally in political arrangements and leaders principles and orientations अब बेसिकली रेवोल्यूशन के थ्रू क्या क्या डिमांड क्या होती है समटाइम्स ये होती है कि इंस्टीट्यूशनल चेंज आ जाए कल्चरल चेंज आ जाए किस कॉन्टेक्स्ट में अंदर के जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं वो बदल दिए जाएं। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि लीडरशिप की चेंज लोगों की ख्वाहिश होती है और कई दफ़ा ये होता है कि प्रॉपर सारे का सारा जो सेटअप है उसमें ही तब्दीली की ख्वाहिश है लोगों के अंदर सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलिटिकल फैब्रिक ऑन विच गवर्नमेंट इज बेस्ड सो रेवोल्यूशन से क्या मुराद है रेवोल्यूशन से मुराद चेंज बेसिकली किस में चेंज है जो पोलिटिकल फैब्रिक है यानी जो पोलिटिकल डिज़ाइन है एक सिस्टम के अंदर जो लोगों को कंट्रोल कर रहा है लोगों को रन कर रहा है उनके पोलिटिकल अफेयर्स को रन कर रहा है अगर लोग उससे मुतमिन नहीं है और वो उसको तब्दील करना चाहते हैं तो ये तब्दीली जो है ये रेवोल्यूशन के थ्रू लाने की कोशिश जो है वो की जाती है सो स्वेज पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसिस हैव डेमस्ट्रेटेड टू दैट रेवोल्यूशन आर पोलिटिकल स्ट्रगल्स फॉर ग्रेट इंटेंसिटी। अब यहाँ हमें ये बात ज़रूर अपने माइंड में रखनी है कि समटाइम्स लोग एजुटेशन में इन्वॉल्व होते हैं लोग अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहताज करते हैं जल से जुलूस करते हैं मीटिंग्स होती हैं समटाइम्स कहीं स्ट्राइक भी होती है लेकिन उसका मकसद या मतलब वो नहीं होता जो रेवोल्यूशन के अंदर होता है क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब मुकम्मल चेंज है और उसका बेसिक इंस्ट्रूमेंट है थ्रू डेमोस्ट्रेशन थ्रू प्रोटेस्ट लेकिन उस प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी जो है वो बहुत हाई होनी चाहिए अगर हाई होगी तो तभी लोग जो हैं वो इस पर कामयाब होंगे कि वो सिस्टम को बदल कर रख दें लेकिन अगर बाकायदा तौर पर इंटेंसिटी में वो शिद्दत नहीं आती लोग कलेक्टिव एफर्ट नहीं करते तो बाज़ात ऐसी जो तह, तहरीकें होती हैं वो तहरीकें खुद ब खुद ही विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और उस एहतजाज का कोई मकसद जो है वो नहीं निकल पाता